फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना हमारे समाज में गर्व का विषय माना जाता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं वो ये चाह रखते हैं कि उनका बच्चा कम से कम ऐसा कर सके, और इसके लिए वे उनको महंगे स्कूलों में दाखिला भी कराते हैं। पर यूपी के एक गांव में लोग स्कूल भेजने से पहले मंदिर में अपने बच्चों को ले जाते हैं, क्योंकि इस मंदिर को लेकर मान्यता चली आ रही है कि यहाँ मत्था टेकने से अंग्रेजी आसानी से आ जाती है। पर कुछ ऐसी ही मान्यता है यूपी के एक गांव में स्थित इंग्लिश देवी मंदिर की। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बनका गांव स्थित इंग्लिश देवी मंदिर की। इस मंदिर में स्थापित इंग्लिश देवी की मूर्ति में किसी विदेशी मैम की छवि दिखती है, जिनके एक हाथ में एक बड़ी सी कलम और दूसरे हाथ में एक किताब है। देवी के सिर पर हैट लगी है, जो कि शायद इस बात का प्रतीक है कि आज का दौर अंग्रेजी का ही है। वास्तव में इंग्लिश देवी की मूर्ति लिबर्टी ऑफ स्टैचू से प्रेरित है, साथ ही इस मूर्ति पर बना धम्म चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है। ये मूर्ति लगभग 20 किलो वजनी है और पीतल की बनी हुई है। दरअसल ये मंदिर इंग्लिश शिक्षा का महत्व समझते हुए दलित समाज के लोगों द्वारा अक्टूबर 2010 में बनवाया गया था। यहाँ के दलित समाज के लोगों का मानना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा से ही अंग्रेजी शिक्षा और उसके प्रचार प्रसार पर बल दिया था, और कहा था कि अगर दलितों को उन्नति करनी है और आगे बढ़ना है तो उन्हें इंग्लिश सीखनी ही होगी। ऐसे में इंग्लिश देवी की मूर्ति को यहाँ के एक स्कूल में स्थानीय दलित नेता के द्वारा स्थापित किया गया है। असल में इसकी स्थापना के पीछे की सोच यह है कि आज भी गांव और छोटे शहरों में पुरुषों के पास तो पढ़ने के ढेरों अवसर हैं, मगर स्त्रियों की आज भी स्थिति सोचने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में वो आज भी पिछड़ी हैं। इस मूर्ति का उद्देश्य है कि महिलाएं भी देवी की तरह ही पढ़ी लिखी और मॉडर्न बने। लोगों का मानना है कि जब गांव की महिलाएं यहां मत्था टेकने जाएंगी तो इंग्लिश देवी की प्रेरणा से उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी, खास तौर से इंग्लिश भाषा के प्रति वो उनमें जिज्ञासा बढ़ेगी और वे इंग्लिश सीख पाएंगी। शिक्षा की अलख जगाते इस मंदिर में ना सिर्फ गांव के लोग आते हैं, बल्कि आसपास के गांव के पिछड़े हुए लोग भी इंग्लिश देवी के मंदिर अपनी मन्नत लेकर आते हैं। लोग इस आस के साथ यहां आते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन अच्छे से अच्छे इंग्लिश स्कूल में हो जाए और उनके बच्चे भी शहरी लोगों की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकें। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें खोजबीन चैनल।